Hello students, this is Vishakha. Welcome to my channel Science Classes. Today we'll be talking about classification of living beings, which is the second chapter of 11th class. So in classification of living beings, content includes meaning of classification, needs and history of classification, and five kingdom system. So firstly, discussing about meaning of classification. Classification, we'll be talking about biological classification, taxonomy and systematics. Biological classification, taxonomy and systematics. So what is biological classification? Biological classification kya hota hai? So plants or animals ki different forms ko identify karna aur unko unke features ke base par और उनकी रिलेशनशिप के बेस पर उनको कैटेगराइज करना. मींस बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कैटेगराइज करना, उनको अरेंज करना किसके बेस पे, उनके फीचर के बेस पे, उसकी हैबिट क्या है, उसकी हैबिटेट क्या क्या है और एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, इन सब के बेस पे एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाई करना क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की. टैक्सोनॉमी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टैक्सिस एंड नोमस. टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमस मीन्स लॉ. मीन्स स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर and classification of organisms based on certain laws is known as taxonomy. means animals का, plants का या किसी भी organism का identification करना, उसका nomenclature करना, nomenclature होता है scientific name देना उसको, और classification करना उसका किसके बेस पे. कुछ certain law होते हैं nomenclature के लिए, कुछ ला है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल ला इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें होता है जीनस और स्पीशीज़. जीनस होता है साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड, जिसका जिसको हम जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखते हैं, और स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. क्लियर. और दोनों को, जैसे जीनस हैं और स्पीशीज़ हैं, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पोटैटो का, उसका साइंटिफिक नेम है सोलानम टुबरोसम. दिस इज द जीनस ऑफ पोटैटो एंड दिस इज द स्पीशीज ऑफ पोटैटो. फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड जीनस सॉरी स्पीशीज इन स्मॉल लेटर्स. एंड दोनों को अलग अलग हमें अंडरलाइन करना है. अगर हम अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं. क्लियर. हाथ से इटैलिक्स में लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं. अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं, तो वो इटैलिक्स में लिखा जा सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की. व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स? स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं कि उनका अपने एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इवोल्यूशन के साथ उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस डाली हैं. तो टैक्सोनॉमी का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ स्टडी करना कहलाता है सिस्टमैटिक्स. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं नीड्स एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. नीड्स, ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की? ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि लोकल लैंग्वेज में मींस कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, लोकल लैंग्वेज में प्लेस बाय प्लेस उसका नेम चेंज होता रहता है. जैसे स्टेट बाय स्टेट चेंज होता रहता है, एक देश से दूसरे देश में जाएं तो चेंज होता रहता है. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया कि एक जगह पे इसका नाम कुछ बोला जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज, उसको हम कहीं जगह पर प्याज बोलते हैं, कहीं ऑनियंस बोलते हैं, तो ये क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, उनके नाम तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं.
तो उन सब से शॉर्ट आउट करने के लिए, उन सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेम बनाया गया, उनको क्लासिफाई किया गया और उनको नोमेनक्लेचर में रखा गया, मीन्स उनको साइंटिफिक नेम दिया गया जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होता है, पूरी यूनिवर्सल नेम होता है साइंटिफिक नेम, जो कि पूरे यूनिवर्स में एक वही नाम होता है उसका। लोकल नेम जो है उनके वो चेंज होते रहते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री पर, तो इसमें हम बात करते हैं अर्लियर सिस्टम के हिसाब से एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, डोमेस्टिक, वाइल्ड, क्रीपर, फ्लाइंग एंड मैराइन एनिमल्स। तो अर्लियर कुछ सिस्टम थे उनके हिसाब से एनिमल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डोमेस्टिक, वाइल्ड, क्रीपर्स, फ्लाइंग एंड मैराइन एनिमल्स। उसके बाद आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को रेड ब्लड के एब्सेंस पे और प्रेजेंस के बेस पे भी डिवाइड किया, उनको क्लासिफाई किया। उन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया, एनीमा एंड एनाइमा। एनीमा इज़ विदाउट रेड ब्लड एंड एनाइमा इज़ विद रेड ब्लड। एन हमें शो कर रहा है एब्सेंस एंड ई एन हमें शो कर रहा है प्रेजेंस। सो एनीमा द एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड एंड एनाइमा एनिमल्स विद रेड ब्लड। सो आफ्टर सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट द एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, फ्लाइंग, वॉकिंग एंड स्विमर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कुछ प्लांट्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने क्या किया, 480 प्लांट्स को क्लासिफाई किया, किसके बेस पे, उनकी हैबिट के बेस पे, उनकी फॉर्म के बेस पे और उनके टेक्सचर के बेस पर उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 480 प्लांट्स को उन्होंने उनकी हैबिट, फॉर्म और टेक्सचर के बेस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कैटेगरीज थी हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हैं कार्ल लीनियस, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि साइंटिफिक नेम के बारे में, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या है, बाई मीन्स 2 एंड नोमियल मीन्स नेम, 2 नेम जिसमें इंक्लूड है जीनस एंड स्पीशीज़। तो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके साइंटिफिक नेम में 2 नेम इंक्लूड होंगे, एक होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज़। जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएगा, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं उसको तो हम उसको इटैलिक्स वर्ड्स में लिखेंगे। ये था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और ये किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने, विच इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कार्ल लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया, मीन्स उनको कैटेगराइज किया। प्लांट्स को उन्होंने रखा किंगडम प्लांटी में और एनिमल्स को रखा किंगडम एनिमेलिया में। क्लियर। और उन्होंने क्या किया, किंगडम्स को स्मॉलर कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया, और वो कैटेगरी कौन सी थी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो इन्होंने क्या किया, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे बड़ा जो है वो फाइलम है, उसके बाद क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस एंड लास्ट स्पीशीज। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने उसको अरेंज किया, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की। क्लियर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। सो, जैसे ही कार्ल लीनियस ने क्या किया, प्लांट्स को प्लांटी किंगडम में रख दिया और एनिमल्स को
एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने क्या किया, वन बाय वन और किंगडम ऐड करते रहे। उसके बाद प्रोटिस्टा ऐड किया, फिर मोनेरा ऐड किया, और उसके बाद फाइनली हम आए सर आर एच विटकर इन 1969 में। क्लियर। और उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम सिस्टम फॉर्मुलेट किया। उन्होंने इसमें पांच किंगडम इंक्लूड किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और उनको क्या क्राइटेरिया दिया, क्या क्राइटेरिया उन पे यूज़ किया उन्होंने, किस बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, किस बेस पे प्लांट्स को डिवाइड किया। सो हम वन बाय वन हम उनको पढ़ते हैं। तो फाइव क्राइटेरियाज थे जिनके बेस पे उन किंगडम को डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेल स्ट्रक्चर, कि उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कि उनकी बॉडी कैसी है, वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, वो हिटरोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। क्लियर। उसके बाद इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल, कि उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल उनका कैसा है। नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस उनका अपने एंसेस्टर के साथ कैसा रिलेशन है, मींस उनके एंसेस्टर कौन थे, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके, और एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या क्या नई वेरिएशंस अपने अंदर लाई, क्या क्या एडेप्टेशन उन्होंने फॉलो की। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम टेबल के साथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, इधर हम किंगडम के को पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं मोनेरा की सेल टाइप का। सेल टाइप में हम बात करते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर। जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा की सेल टाइप है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंजाई इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया इज ऑल्सो यूकैरियोटिक। सो क्लियर स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल वॉल की। इधर सेल वॉल इज़ नॉन सेलुलर एंड कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। इन केस ऑफ प्रोटिस्टा सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स। इन फंजाई सेल वॉल इज़ प्रेजेंट बट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्रेजेंट तो होती हैं बट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन प्लांट या सेल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इन एनिमेलिया सेल वॉल इज़ेंट। एनिमेलिया में हम भी आते हैं, तो हमारे क्या है, सेल वॉल नहीं है, हमारे क्या है, स्किन है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मीन्स न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है या नहीं है। मोनेरा में देखो ये प्रोकैरियोटिक्स है, तो न्यूक्लियस तो वैसे ही एब्सेंट नहीं है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। उसके बाद सभी यूकैरियोटिक्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। सो मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मींस सेल्स सेलुलर हैं, सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इधर भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की, ये है मल्टी सेलुलर। इसमें मल्टी मींस डिफरेंट, मैनी टाइप्स और ज़्यादा नंबर होता है सेल्स का, तो इधर मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी में क्या है, टिश्यू लेवल होता है, सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, और ऑर्गन लेवल है, मींस ऑर्गन्स हैं उसमें, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, साइलम फ्लोएम है। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया क्या है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इसमें जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम
हमारे अंदर टिश्यू लेवल टिश्यूज़ भी प्रेजेंट हैं, ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कि वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं। हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा होते हैं ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिटरोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं या दूसरी कोई चीज़ का हेल्प लेके अपना खाना बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट अमंग ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं मींस जो खाना अपना खुद बनाते हैं वो किसकी हेल्प लेते हैं? कीमोसिंथेसिस मींस कीमो मींस केमिकल, सिंथेसिस मींस बनाना, केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। और वो केमिकल्स में कौन कौन इंक्लूड है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लियर। और सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड इज़ प्रेजेंट अमॉन्ग हेटरोट्रॉफ्स। तो जो खाना अपने दूसरों से बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, वो क्या है? सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो कि डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। और पैरासिटिक क्या होते हैं? जो कि किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना लेते हैं, क्लियर। वो होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? एक तो होस्ट होता है और एक कोई भी पैरासाइट होता है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है या अंदर रहता है, उसकी बॉडी को नुकसान भी पहुँचाता है साथ साथ, और या उनको अपना खाना लेता है। जैसे कि लाइस होती है, लाइस क्या करती है? बॉडी के ऊपर रहती है, किसी अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहती है, अपना खाना लेती रहती है, फीडिंग करती रहती है, जिसके साथ साथ क्या होता है? होस्ट की बॉडी को भी हार्म पहुंचता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में है ऑटोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफी अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प लेते हैं, मीन्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। और दूसरा होते हैं हिटरोट्रॉफ्स। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई होती है हिटरोट्रॉफिक। हिटरोट्रॉफिक में वो सेप्रोफिटिक होती है और पैरासिटिक होती है। सेप्रोफिटिक डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेती है और पैरासिटिक होस्ट बॉडी से खाना लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांटिक की। प्लांटिक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया होते हैं हिटरोट्रॉफिक। हिटरोट्रॉफिक हम भी आते हैं, जिसमें हम अपना खाना दूसरे सोर्स से ही तो लेते हैं, जैसे कि हम फसल बोते हैं, क्रॉप्स प्लांट से हमारा खाना आता है, ठीक है। कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो कोई एनिमल से खाना लेते हैं, क्लियर। तो हिटरोट्रॉफ्स में क्या क्या आता है? होलोजोइक और सेप्रोफाइट्स। होलोजोइक होता है जिनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेसेस होती हैं, मींस जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल है, आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेसेस होती हैं, वो होता है होलोजोइक, जिसके अंदर इंजेशन की प्रोसेस होती है, असिमिलेशन होता है और डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब चीज़ किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? होलोजोइक के अंदर। उसके बाद है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक जो कि डेड पार्ट से अपना खाना लेते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर से, आप मुझे कहिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, टेक केयर।